अरे नीचे नहीं लेके जा रहा, पुलिस वाले ना रोक ले, क्या ही मजा आ रहा है यार। सीटें वगैरह सब फूली हुई है, खत्म हो रही है गाड़ी पूरी की पूरी, खड़ी थी भैया जंग लग गया इसमें कहीं। अब ये ऐसा कुछ है पूरा कि भाई इधर ना पूरे घर वगैरह दिख रहे हैं और इधर पहाड़ वहाड़ और वो उधर अलग ही पहाड़ दिखते हैं और सामने ना शायद तक वो डैम वगैरह है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द संडे राइड विद मिस्टर कुलदीप 666। तो क्या हाल चाल है भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे। सो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरे पहले वाले ब्लॉग है भाई वो काफी शानदार है और वो आउट हो चुके हैं भाई, वो कब के पड़े हुए हैं भाई यूट्यूब पे जाकर तुम देखो क्या कर रहे हो, तुम लोग पहले वाले ब्लॉग नहीं देख रहे हो भाई। तो मैं तुम्हें बता दूं भाई, आज है संडे और आज हम करने वाले हैं संडे राइड जैसा कि हम हर संडे को करते हैं भाई। तो आज भी हम एक रोमांचक वाली राइड करने वाले हैं भाई, और वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है भाई, तो सर्दियाँ आ चुकी है लेकिन फिर भी अभी दिवाली आने वाली है भाई, क्योंकि अभी एक महीना बचा है दिवाली के अंदर। सो गाइस, तो आज भाई अभी बज चुके हैं 11:30, तो निकलते हैं और आज की राइड भी बहुत खतरनाक होने वाली है, तो भाई एंड तक बने रहिएगा और बाकी की बातें रास्ते में करते हैं चल के भाई। सो गाइस रेडी हैं भाई लोग हम, एक सेकेंड, तो हम लोग रेडी है भाई। अरे यार क्या हो गया, ग्लव्स क्यों गिर रहा है बार बार। तो भाई हम रेडी है और ये खड़ा मॉन्स्टर। तो भाई अब मुझे लगता है कि मॉन्स्टर की सर्विस करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अब दिक्कत आ चुकी है इस वजह से, क्योंकि एक सेकंड चलते हैं। तो भाई मैं बता रहा था कि हमें मॉन्स्टर की सर्विस करवा लेनी चाहिए अब, क्योंकि अब चेन वगैरह पूरी ढीली हो चुकी है और भाई ऊपर जा चुका है महीना सर्विस का इस वजह से, तो अब एक दो दिन में करवानी पड़ेगी भाई। ओ भाई इधर तो बंद है क्या, उधर से ही चलना पड़ेगा, इधर पेट्रोल भर रहा है भाई और हवा डलवानी है इसके अंदर, स्लिप मार रहा है टायर। अल फंसा दी भाई, बैग जान दे, बैग जान दे भाई, बैक जाने दो, मैं इधर से ले लू क्या भाई, रॉन्ग साइड में। ओहो ताऊ, दोनों की गलती है ताऊ, मेरी नहीं है। एक सेकंड, लो भाई इसका प्रेशर चेक करना, पीछे वाला देखना, पीछे वाला स्लिप मार रहा है टायर इसलिए। अब अच्छा लग रहा है टायर में हवा डलवाने के बाद, वाकई में कम थी भाई हवा इसलिए, क्योंकि स्लिप मार रहा था टायर बार बार। और भाई ये कचरे का ट्रक कहाँ से आ गया, इतनी गंदी बदबू आ रही है भाई, मैं क्या बताऊँ तुम्हें यार, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कचरा जाता कहाँ भाई, सारा का सारा ये इतना कचरा जाता कहाँ भाई। सोचो डेली के डेली निकलते हैं ये ट्रक भाई, एक दिन का भी काम नहीं है, डेली निकलते हैं। सोचो कितने सारे लोग होंगे भाई जो कचरा फैला रहे हैं भाई, मतलब कितना बड़ा डंप यार्ड होगा भाई जहाँ कचरा जमा होता है, और वो लोग कैसे काम करते होंगे इसमें भाई, छी कितनी गंदी बदबू आ रही है, इससे आगे निकलना पड़ेगा भाई, रॉन्ग साइड ही चलते हैं। ये लो भाई मैं भी बढ़िया टाइम पे आया हूँ यार, बत्ती खुल गई, सही टाइम पे आ गया, और पुलिस वाले चाचा खड़े हैं भाई शायद, हाँ ये खड़े भाई, ये खड़े यहाँ खड़े रहते हैं भाई इसीलिए। तो चलो भाई हमारे लौंडे इधर ही होंगे, इस साइड ही होंगे भाई, ये कौन सा मॉल होती सन एंड मून। सो भाई लोग इसमें थोड़ा सा फ्यूल डलवा लेते हैं भाई, और पहले से तो है इसके अंदर तेल, थोड़ा सा और डलवा लेते हैं तो काम बन जाएगा भाई। इधर भी भाई टैंकर आया हुआ खड़ा है, पिछले वाले पेट्रोल पंप पे भी टैंकर खड़ा था, क्या हो गया। चलो आप उधर लगवा लेते हैं, ये दुनिया को कर, क्या हो गया ताऊ, कैसे देख रहे हो ताऊ, दिक्कत में आ गया भाई। भाई जो ताऊ लोग होते हैं ना दिक्कत में आ जाते हैं देख के, और पता ही नहीं, अंदर गुस्सा भी करते होंगे, गालियां भी बकते होंगे, क्या है क्या नहीं है क्या पता भाई, अजीब सा ही सोचते होंगे। बट मेरे को तो नॉर्मल तेल डलवाना भाई, 2-1 लीटर चाहिए और 3-4 लीटर पहले से है इसके अंदर, इतना खासा कुछ तेल चाहिए नहीं मुझे, और बाकी डलवा लेंगे भाई।
तो भाई अभी हम जा रहे हैं हमारी डेस्टिनेशन की तरफ, और ये कौन ही निकला भाई बगल से, तो ये ले आता रहता है भाई। मेरे को तो मजा आता है भाई रेस वगैरह करने में, अब वो भाई भी करेगा। ठीक है भाई कंटेंट दो हमें। ओहो भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें शिफ्ट दिखाता हूँ भाई, ठीक है तुम्हें शिफ्ट दिखाता हूँ, बोरी मिनी कूपर भाई, छोटी शिफ्ट भाई, ये फॉर्च्यूनर आ गई, वरना दिखाता मैं तुम लोगों को भी। ट्रैफिक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। अरे भाई आराम से आराम से आराम से, क्या चला रहा था भाई, मरवाएगा क्या भाई। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं भाई मेन सिटी के अंदर, जो प्रॉपर सिटी है, जहाँ पर महंगे महंगे ब्रांड्स के शोरूम्स है भाई, और जहाँ पे लग्जरी ब्रांड्स के शोरूम है, और जहाँ पर फॉरनर्स आते हैं भाई। ये लो भाई सामने पुलिस वाले चचा आ गया भाई, ये रे भाई, ये मेरे साथियों को ना धर ले, मेरे को डर ना उस छोटे वाले का रहता है, कहीं उसको डाल दिया तो वो नहीं निकलेगा क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है। वो देखो वो गया, ये रहा। तो चलो सीधा चलते हैं भाई, चलना तो सीधा ही है वैसे, इसी रास्ते चलना है भाई। ये छोटी सी तंग गली आ गई इधर, तो भाई मेरे सामने एक अल्टो 800 है, ये पूरी पता ही नहीं क्या वाइट पाउडर के अंदर शायद तक, या क्या किसी की मतलब किसी नाले वाले में गिर गई थी या क्या हो गया था इसके साथ, मतलब पूरी वाइट हो रखी है, ऐसा लग रहा है कि इसको कहीं से निकाला है भाई, समझ रहे हो, ऐसा लग रहा है इसको कहीं से निकाला है। अब तुम देख सकते हो कैसी हालत हो रखी है इसकी, और ये एक्सीडेंटल है क्या भाई, हाँ शीशे वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, क्या पता कहीं डूबी हुई थी या क्या चक्कर था इसका, लेकिन पूरी वाइट हो रखी है भाई ये पाउडर में। यार झटके से बंद हो गई गाड़ी भाई, दिक्कत होगी, अब तुम देख सकते हो इसकी हालत, इंजन वगैरह सब कुछ खुला हुआ है इसका, सीटें वगैरह सब फूली हुई है, ख़त्म हो रखी है गाड़ी पूरी की पूरी, खड़ी थी भैया जंग लग गया इसमें कहीं। मैं सही बता रहा हूँ, मैं जहाँ नहीं आना चाहता था ना, ये मैप मेरे को वहीं लेकर आ गया, और कसम से भाई मैं नहीं आना चाहता था यहाँ पे, सही बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं आना ही नहीं चाहता था, समझ रहे हो। भाई शायद तक ये जगह है जहाँ हमें जाना है भाई, लेकिन गाड़ी वगैरह कहाँ से जाती है यार, है तो यही जहाँ हमें जाना है, लेकिन जाना किधर से है ये नहीं पता भाई। इंजन गर्म हो गया, अरे भैया इंजन गर्म हो गया एक सेकंड, अरे यार भाई कह रहे हो इंजन गर्म हो गया और कुछ नहीं आवाज, अरे नहीं ताऊ जी देख लो फैन की आवाज आ रही, अरे नीचे नहीं लेके जा रहा, ठीक है भाई बुढ़ापे का असर है और कुछ ही नहीं है, बुढ़ापे का असर है, बुढ़ापे का नाटक कर रहा है भाई। भाई इन लोगों का ना यही प्रॉब्लम है यार, बाकी इस वजह से ना मतलब तुम किसी जगह भी जाओ फिर वहां जाके इसी वजह से मूड खराब हो जाता है, समझ रहे हो। मैं कोई ऐसे कोई फालतू के लिए तो मेरे को पता है भाई जैन मंदिर है यार हमारा मंदिर लिए, लेकिन भाई मैंने सुना है कि यहाँ आके ना तुम रिलैक्स होकर बैठ सकते हो भाई, मैं इस वजह से आया हूँ भाई थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए कि हाँ थोड़ी सी शांति मिले, समझ रहे हो, मैं तो इस वजह से आया हूँ भाई, वरना मेरा क्या ही काम पड़ा है यहाँ पर। और ये भाई फॉरनर्स है जो बाहर के राइडर्स है, ये लोग यहाँ पर आते हैं, ये देखो ये लोग भी तो आते हैं भाई यार, मतलब तुम हम लोगों को इतना क्यों ट्रीट कर रहे हो यार, समझ में नहीं आता भाई, मतलब यही है हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना उनकी यही कमी है भाई। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं भाई यहाँ पर, अभी हेलमेट उतारना जरूरी है क्योंकि सामने एक पुलिस वाले चाचा बैठे हुए हैं भाई, और इस वजह से
और बाकी देखते क्या बोलते हैं, क्योंकि कैमरा छुपाना पड़ेगा। बाकी वैसे कुछ इतना कुछ खास नहीं है भाई, लेकिन मैं थोड़ा शांति के लिए आया हूँ यहाँ पे इस वजह से। और ना यहाँ पर जो गार्ड वगैरह ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे हाइपर है, एंग्री हो रखे हैं। और जिस चाचा से नीचे मेरी मुठभेद हुई थी भाई, वो वापस ऊपर आ गया, तो वो हमें ही नोटिस करें कि तीनों लड़के क्या कर रहे हैं भाई। तो शायद तक उन्होंने भाई, वो चाचा ने मेरे लिए थोड़ा गलत इंप्रेशन डाल दिया होगा कि ये लड़के ऐसे ऐसे नीचे बदतमीजी कर रहे थे। हालांकि बदतमीजी तो वो कर रहा था भाई, हम नहीं कर रहे थे, बट ऐसा कुछ है ये। इधर से पूरा पहाड़ी पहाड़ है भाई, और सामने उधर टर्नल वगैरह मैं दिखाता, लेकिन अब क्या क्या ही दिखाऊं भाई, क्योंकि ये चाचा वगैरह खड़े हुए हैं ना यार इस वजह से। और हो सका तो अभी टर्नल से निकलेंगे भाई, क्योंकि अलाव तो है ही टर्नल में बाइक वगैरह जाती, लेकिन ये नहीं पता भाई दिन में अलाव है या फिर शाम को अलाव है, बट जाती तो है बाइक वगैरह यार इस वजह से। और बाकी काफ़ी अच्छा प्लेस है, अभी दर्शन वगैरह करते हैं, दर्शन तो और चलते हैं उसके बाद भाई, ठीक है निकलते हैं। सो गाइस देख सकते हो तुम, अब ये ऐसा कुछ है पूरा कि भाई इधर ना पूरे घर वगैरह दिख रहे हैं, और इधर पहाड़ वहाड़ और वो उधर अलग ही पहाड़ दिख रहे हैं, और सामने ना शायद तक वो डैम वगैरह है उस जगह जिसको कानोता डैम बोलते हैं। तो वहाँ पानी भरा हुआ है सामने, जस्ट वो देखो वहाँ पे, उसे कानोता डैम बोलते हैं। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई ये व्यू। भाई कोई बात नहीं यार, इस व्यू को एंजॉय करने के लिए तो कुछ भी मतलब कोई नहीं यार, अच्छा है, बहुत ही प्यारा है भाई, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, कसम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अरे उधर मत जाओ, जब नो एंट्री लगा रखी है, फोटो वोटो खींचना, पागल है क्या यार भाई, कैसी बातें कर रहा है, आ जाओ वापस, ठीक है। तो भाई तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा मौसम है भाई, और उधर देखो ग्रीनरी वगैरह, और ये टेम्पल वगैरह देखो कितना ही प्यारा है भाई। खाली हो चुका है, मतलब सॉरी खाली क्या हो चुका है, अभी सब लोग अंदर गए दर्शन करने के लिए, ठीक है। और इधर तुम देखो अब क्या ही प्यारा व्यू हो रहा है, इस जगह चेक मारो, ठीक है। तो अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ भाई, और देखते हैं अंदर कैसा क्या है। तो देखते हैं अंदर कैमरा अलाउ है नहीं है। और भाई ये जो सड़क है ना, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, क्या ही प्यारी लग रही है भाई, ऊपर से जो व्यू है ना भाई काफ़ी ख़तरनाक है। और हो सका तो अभी टर्नल की साइड से चलेंगे भाई, अगर दिन में बाइक अलाउ होगी तो। सो गाइस फिलहाल अभी मैं अंदर मंदिर में जाके आया हूँ, और मैंने महावीर भगवान के जो है भाई उनके दर्शन करें। तो वो जो मूर्ति है वो इतनी विशाल है ना भाई, मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा बड़ी है ना, इतनी ज़्यादा प्यारी है, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। और वो उसकी हाइट मुझे नहीं पता, लेकिन जब उसके सामने खड़ा हूँ ना तो ऐसा सुकून मिल रहा है। मैं वहाँ पर बैठ के भी आया हूँ भाई, मैंने थोड़ी सी देर इंतज़ार भी किया, मतलब बैठा हूँ वहाँ पर और थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स किया, लेकिन अंदर जाके जो शांति मिली है ना भाई, वो कसम से नेक्स्ट लेवल थी भाई। मैंने नहीं सोचा था कि इतना सुकून होगा, लेकिन पीछे जाने के बाद इतना सुकून था ना, बट अंदर ना कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, वरना मैं दिखाता वो मूर्ति कितनी बड़ी थी भाई। सो गाइस फाइनली हम अंदर से तो बाहर आ चुके हैं भाई, और अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था, वो चाचा भी यहाँ बैठा हुआ है क्या मधुमक्खी है पीछे। सो गाइस लेट्स गो, निकलते हैं भाई फटाफट सब यहाँ से, मौसम वैसे ख़राब हो रहा, बारिश तो नहीं आएगी, बट कभी धूप कभी छाया, सब तेरी माया। और मैं तो बंद करके चला रहा हूँ, क्योंकि आराम से इजीली जा सकती है भाई नीचे, इस वजह से क्यों फालतू में वो करना, गियर भी निकाल देता हूँ। अरे चलो, अब देख सकते हो हर जगह ग्रीनरी है भाई, हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है, और चलने दो भाई अब। यार क्या स्पीड है इसकी, ये देखो, ओ भाई, अरे भाई मेरे को डर लग रहा है, अरे अरे भाई खतरनाक स्पीड है यार, ये देखो क्या ही बताऊं मैं, लग आई बंद करके लाया हूं ऊपर से, अरे भाई भाई भाई, ओ यार क्या जबरदस्त स्पीड है भाई, गाड़ी अपने आप ऐसे चल रही है 40-60 की स्पीड में यार, ऊपर से आई थी तब। तो गाइस तुम देख सकते हो यार ये पहाड़ वगैरह, और इसके ऊपर नेट लगाया हुआ है पहाड़ के ऊपर, पता नहीं अब ऐसा क्या है, ये कैसे बीच में खड़ा रोक के खड़ा भाई, मरवाएगा क्या यार, भाई मेरे को तो डर लग रहा है, बस अंदर जाना अलाउ है ना यार, बट कोई नहीं यार, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, अंदर जाना अलाउ हो बस है यार शायद तक अलाउ तो। और भाई ये था वो मंदिर जहाँ से हम आए अभी लौटकर, नीचे कुछ ऐसा है और ऊपर वो रहा। फाइनली टर्नल आ चुकी है, अब टर्नल के अंदर से चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बाहर मतलब आगे दिक्कत ना हो भाई, मैं तो ये चाहता हूँ बस। सो गाइस टर्नल स्टार्ट हो चुकी है भाई, और अंदर अलाउ है ना भाई यार, और ये देखो क्या ही प्यारी लग रही है भाई, व्यू चेक मारा, भाई साहब क्या ही मजा आ रहा है यार, बस पुलिस वाले ना रोक ले बाहर भाई, पुलिस वाले ना रोक ले,
क्या ही मजा आ रहा है यार। ओ भाई भाई साहब ओसम भाई ओसम। लोग फाइनली घर की तरफ तो आ चुके हैं यार, लेकिन इधर ट्रैफिक लग रहा है। अब किधर से लूँ मैं, सीधा ही ले लूँ क्या भाई? इधर से ले लेता हूँ, फॉर्चुनर वाला चाचा दबा के मार देगा खुद के नीचे। इधर से ले लेता हूँ, ट्रेन तो आ गई वैसे। अरे यार जाने दे भाई, अब निकाल लूँगा। ओ भाई ट्रेन आ रही थी भाई, इस वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है। फाइनली अब मैं तो घर आ चुका हूँ। तो गाइस आज के इस छोटे से ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप भाई, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर देना भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करना भाई तुम्हें ब्लॉग कैसा लगा, सच बताना, कमेंट करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।